सो ही गाइज वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज का ये वीडियो बहुत 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 ही ज़्यादा एपिक होने वाला है, क्योंकि मैं बता नहीं सकता आपको, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि आज मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। एंड नाउ आई एम दी हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दी अर्थ, क्योंकि आज हमारी चैनल एनिमे असेंबल पर कुछ बहुत ही बड़ा होने जा रहा है, जो कि आप लोग भी देख कर पागल हो जाओगे। मतलब ड्रीम सच होने जैसा है, सच होने जैसा नहीं, ड्रीम सच ही हुआ है आज मेरा भी और सारे आप जब जितने भी पोकेमॉन फैंस हैं इंडिया में सबका। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि पोकेमॉन का सीजन 17 एक्स एंड वाई इंडिया का सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला, यानी कि इंडिया का सबसे मोस्ट लव्ड पोकेमॉन सीजन है। और आप लोग के दिमाग में ये बात तो जरूर से आई होगी कि ये सीरीज इतनी ज्यादा लेजेंडरी है तो इसके वॉइस एक्टर्स कितने ज्यादा लेजेंडरी होंगे। और आज एक एक करके हम लोग उन सारे के सारे वॉइस एक्टर्स से मिलने वाले हैं, मिलने ही नहीं वाले बल्कि लाइव डबिंग होने वाली है पोकेमॉन XY की। तो मुझे नहीं पता ये सपना है सच, लिए आपके फेवरेट वॉइस एक्टर्स आपसे मिलने आए हैं ऑन आवर चैनल एनिमे असेंबल। तो अभी तो मैंने अपने आप को कैसे कैसे कंट्रोल किया हुआ है, यानी कि वीडियो में मैं इतना ज्यादा चिल्लाने लगता, इतनी ज्यादा हैप्पीनेस है आज। तो अब 6 साल बाद जाके अचानक से मार्वल HQ पे इसका रिपीट आ गया था 20 मार्च को, जो कि मुझे कहने की जरूरत नहीं है कितनी ज्यादा मतलब बम फूट गए थे कम्युनिटी में, एकदम धमाका सा हो गया था। तो इसी के चलते मुझे एक आइडिया आया, मुझे लगा कि पोकेमॉन XY की लाइव डबिंग करनी चाहिए, ताकि हमारे जो प्यारे वॉइस एक्टर्स हैं जिनके वजह से सीरीज इतनी टॉप पे है, इतनी अच्छी लगी थी हमें, आपको उनसे मिलाना चाहिए, ताकि आप सब भी जान पाओ कि इतनी अमेजिंग वॉइसेस के पीछे कौन है। तो फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि आप लोग को भी कंट्रोल नहीं हो रहा होगा। लेकिन सबसे पहले हाँ, सब्सक्राइब कर देना ऐसे अमेजिंग कंटेंट के लिए फ्यूचर में भी, क्योंकि फ्यूचर में भी ऐसा काफी कुछ आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत अमेजिंग चीजें अबाउट योर फेवरेट शो पोकेमॉन यहाँ पे होती रहती है। तो चलो एक एक करके हम सभी के फेवरेट वॉइस एक्टर्स से मिलते हैं। तो फिर बिना किसी देरी के लाइव डबिंग के सेशन को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फिर बिना किसी देरी के लेट्स फायर। गाइस हर टाउन और रीजन की तरह पोकेमॉन XY के कालोस रीजन में भी एक नर्स जॉय थी, और इस सीजन में आर्ट स्टाइल चेंज हुई थी जैसा कि हम सब जानते हैं। तो इसमें नर्स जॉय की वॉइस को भी चेंज किया गया था हिंदी में, और सीजन 17 में नर्स जॉय की वॉइस बनी हुई थी हिंदी में अंबिका मैम। क्या हुआ इनको, क्या हुआ? चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएंगे। मैं पहले जाके पीडूफ का इलाज करती हूँ। विकिटा, क्या तुम पीडूफ को ले आओगी? नहीं, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। इस सीरीज में हम लोग को एक नए प्रोफेसर दिखाए गए थे, जिनका की नाम था प्रोफेसर सिकामोर, जिन्होंने हम लोग को मेगा एवोल्यूशन के बारे में काफी कुछ बताया था। उनकी हिंदी वॉइस बने हुए थे ऋषि गंभीर सर। अगर मैं तुमसे कहूं कि पोकेमॉन में और भी विकसित होने की क्षमता है तो तुम क्या कहोगे? क्या आप सच कह रहे हैं? हो सकता है, यही मेरी रिसर्च है। ऐसी बहुत सी जांच की रिपोर्ट्स कहती हैं कि विकसित पोकेमॉन और भी विकसित हो सकते हैं, जिसे हम मेगा एवोल्यूशन कहते हैं। मेगा एवोल्यूशन? बहुत सारी चीजें अभी भी रहस्य ही हैं, पर हमें लगता है पोकेमॉन और ट्रेनर का खास बंधन और उनके बीच का लगाव उनके विकसित होने का एक हिस्सा है। हाय, मेरा नाम ऋषि गंभीर है और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूं, और मैं ही प्रोफेसर सिकामोर की आवाज भी हूं पोकेमॉन में। थैंक यू। ऐश कचम के कालोस लीग के सफर में इस सीरीज में हमें एक और कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि उसका साथ देता है और उसके साथ सफर पर भी जाता है। अगर आप गेस कर चुके हैं तो आप बिल्कुल सही हैं। वो कैरेक्टर ने रिप्लेस किया था साइलन को, और गाइस मैं बात कर रहा हूँ क्लेमेंट की। क्लेमेंट की हिंदी वॉइस दी थी हमारे वीरल शाह सर ने। बात यह है कि मैं सफर पर जा रहा हूँ। ऐश से मिलने के बाद मुझ में बहुत सी हिम्मत आ गई है, और अब मैं सफर करना चाहता हूँ। भले ही ऐश के कालोस लीग तक पहुँचने तक ही क्यों ना हो, पर मेरे लिए जरूरी है कि मैं उसके साथ सफर करूँ। इस सीरीज में क्लेमेंट की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था बोनी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग को लाइव डबिंग नहीं मिल पाई बोनी की। बोनी की हिंदी वॉइस बनी हुई थी निल्यूफर मैम। अब आ जाते हैं सबसे अमेजिंग द अमेजिंग कैरेक्टर पे, जो कि हर पोकेमॉन फैन को पसंद है। ये सबसे स्पेशल कैरेक्टर्स में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमर शिपिंग की CEO की, यानी कि सरीना की, जो कि मेरी और आपकी फेवरेट पोकी गर्ल भी है। और सरीना की हिंदी डबिंग करी थी सायुरी हरलकर मैम ने। क्या सच में याद है? मुझे पता है, वो इसलिए ऐश क्योंकि मैं उस समर कैंप में गई थी। पर मुझे तुम नहीं याद आ रही हो। क्या? क्या मैं याद नहीं हूँ? अब बात की जाए सीरीज के नंबर वन कैरेक्टर की, यानी कि मेन प्रोटैगनिस्ट की, जिसने कि पहले एपिसोड से हम सभी को अपना फैन बना लिया था। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हम सभी के फेवरेट ऐश केचम की। और ऐश केचम के लिए तो पूरा क्रेडिट जाता है हमारे नचिकेत सर को इस अमेजिंग और ऑसम वॉइस के लिए। हेलो कालोस।
आखिरकार एश पैलेट शहर से यहाँ आ ही गया। तुम ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? मैं कालोस को हेलो बोल रहा हूँ। और इस सीढ़ियों से नीचे उतरते ही हम यहाँ की जमीन पर कदम रखेंगे। So yeah guys, that's it for now. I hope आपको बहुत amazing लगी होगी ये वीडियो, मतलब एकदम ड्रीम सच हो गया इस बार तो। तो सारा थैंक्स जाता है हमारे फेवरेट वॉइस एक्टर्स को जिन्होंने पोकेमोन एक्स वाई जैसी सीरीज को इतना ज्यादा एपिक बना दिया। आप ही सोचो 2015 में अगर पोकेमोन एक्स वाई में हमें ये वॉइसेस देखने को नहीं मिलती तो हमें इतना ज्यादा मजा बिल्कुल भी नहीं आता। जरा इमेजिन करके देखना पोकेमोन एक्स वाई को बिना हमारे सारे फेवरेट वॉइस एक्टर्स के। तो पूरा जो क्रेडिट जाता है पोकेमोन एक्स वाई जो आपके दिमाग पे सवार होकर बैठ गया, इतना अमेजिंग सीजन आपको लगता है वो, तो वो लगता है हमारे सबके फेवरेट वॉइस एक्टर्स की वजह से। तो सारा क्रेडिट उनको मिलना चाहिए। इसी के चलते आप जाओ फटाफट सबको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। सबके इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऋषि सर, विराल सर, सायुरी मैम, नीलिफर मैम, नचिकेत सर, सबके आईडीज के लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप याद से जाके फॉलो कर लेना। अगर आप ये वीडियो देखी है तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, इट्स कंपलसरी। और हाँ, मुझे भी फॉलो कर सकते हो अगर चाहो तो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो यार वीडियो को खत्म करने का टाइम आ चुका है, तो सारे के सारे वॉइस एक्टर्स को आप जाके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। और यार याद से कमेंट करके बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, मतलब अमेजिंग तो लगी होगी फिर भी आपका फीडबैक चाहिए होता है। एंड होपफुली सारे के सारे वॉइस एक्टर्स भी आपके कमेंट्स पढ़ने वाले, तो अच्छे अच्छे कमेंट्स उनके लिए छोड़ देना ताकि वो भी खुश हो जाए। एंड इन दी एंड ऑफ द वीडियो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा सारे के सारे वॉइस एक्टर्स को कि उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प की इस वीडियो को बनाने में, और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं ये स्पेशल वीडियो अपने चैनल पे पब्लिश कर पाऊँ आप सबके लिए। तो सारा का सारा क्रेडिट जाता है हमारे वॉइस एक्टर्स को, तो उनको सबसे बड़ा थैंक यू मेरी तरफ से। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाजू के नोटिफिकेशन बेल पे ऑल नोटिफिकेशंस क्लिक कर देना, क्योंकि ऐसा अमेजिंग कंटेंट आपको फ्यूचर में भी देखने को मिलेगा। हम लोग पोकेमोन के बारे में काफी ज्यादा बातें और अमेजिंग चीजें करते रहते हैं यहाँ पे, तो सब्सक्राइब करो इफ यू आर अ पोकेमोन फैन। तो बस ड्रीम वीडियो खत्म होने का टाइम आ चुका है, मैं इतना ज्यादा खुश हूँ आज बता नहीं सकता, मतलब बहुत 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 ज्यादा खुश। तो फिर मिलेंगे आपसे फिर किसी नए वीडियो में, जब तक के लिए ट्रू पोकेमोन फैन बने रहें।